जहां एक ओर केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित में नई नई योजनाएं ला रही हैं, वहीं मांगे पूरी न होने से किसान नाराज नजर आ रहे हैं। ताजा मामला फतेहपुर का है, जहां प्रदेश सरकार द्वारा बिजली का रेट बढ़ाए जाने से किसान नाराज चल रहे हैं। इसी नाराजगी के चलते किसानों ने तहसील का घेराव किया। वहीं किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए SDM को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों का कहना है कि सरकार अगर बिजली के रेट बढ़ाएगी तो किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही कहा कि बिजली कटवाकर किसानों के खेतों में खड़े खम्भों को तोड़कर फेंक देंगे। आह्वान पर हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार बिजली के दाम बढ़ाने जा रही है। उसके विरोध में हरिद्वार में पंचायत हुई थी, उसमें निर्णय हुआ था कि 27 जुलाई को इस कानून के बनाने के विरोध में हर तहसील मुख्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन होगा और इसका विरोध किया जाएगा और इसका ज्ञापन SDM साहब को दिया जाएगा। उसी राष्ट्रीय आह्वान के कार्यक्रम में बिजली के दाम न बढ़ाया जाए, किसानों का इतना ही जो बिल पड़ रहा है इतना दिया होता बहुत महंगा होने जा रहा है, इसका विरोध करने के लिए आज यहाँ पहुँचा। हमारी बिजली के दाम इतने भयंकर रूप से बढ़ाए जा रहे हैं, इसको वहन कर पाना हम किसानों की बस की बात नहीं। हम ये चाहते हैं कि जिस रेट से अन्य चीज़ें बढ़ाई जाती उसी रेट से हमारे या तो उत्पादन बढ़ाए जाए और नहीं तो अपनी बिजली काट दें। हम बिजली जलाना नहीं चाहते, लेकिन शर्त ये है कि हमारे खेतों से बिजली विभाग व्यापार कर रहा है वो भी बंद कर। अगर मांगे नहीं मानती सरकार तो क्या? हम आंदोलन रूप में करेंगे और इनके लट्ठे तोड़ के बाहर फेंक देंगे। हमें बिजली ना चाहिए लेकिन हम व्यापार भी नहीं करेंगे। वहीं SDM ने किसानों की मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि तहसीलदार से बात करके जल्द ही उनकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन किसानों की मांगों को लेकर आगे क्या कार्रवाई करता है। पंजाब केसरी TV के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।